सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो में। सो आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट मार्वल मूवीज के बारे में। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम सबको तो पता ही है कि मार्वल्स की मूवी पूरी दुनिया में देखी जाती है और इन्होंने कैसी मूवीज ऐसी निकाली है जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाया। सो चलिए जानते हैं आज की टॉप 5 बेस्ट मार्वल मूवीज के बारे में। नंबर 5, थॉर रैग्नारोक। ये कमाल की मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इनके हीरोज की बात करी जाए तो वो थे थॉर और हल्क, और विलन हेला जो कि थॉर की सिस्टर थी और वो भी कमाल की विलन थी भाई। इतनी पावर्स थी उसके पास, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पावर्स थी उसके पास। इसमें थॉर को किसी दूसरे यूनिवर्स में गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां उसकी फाइट होती है हल्क के साथ। मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग फाइट, मतलब कैसे वो हल्क को हराता है वो भी सब देखने लायक था। और दूसरी बात की जाए, उसको हेला को डिफीट भी करना था क्योंकि उसको एसगार्ड को बचाना था, एसगार्ड के पीपल को बचाना था, इसलिए उसको हेला के साथ भी फाइट करनी थी। तो जब उसका थंडर पावर उसके पास वापस आया ना, मतलब वो तो देखने लायक था भाई, गूज़बम्स आ गए वहां पे जब उसने हेला को हराया। मतलब कैसे उसने बिजली कड़काई, मतलब सब कुछ आउटस्टैंडिंग। अगर आपने थॉर रैग्नारोक नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए क्योंकि ये भी कमाल की मूवी है मार्वल। वैसे जितनी भी थॉर्स की मूवीज आई है अभी तक, सबसे ज्यादा बेस्ट तो मुझे लगता है यही है थॉर रैग्नारोक, क्योंकि कैसे इसमें फाइट्स, कैसे सीन, सब कुछ गजब है। और मतलब थॉर की सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी यही है। बिफोर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ये मूवी भी 2017 में रिलीज हुई थी और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही थी। बात करी जाए इनके हीरोज की तो सारे एवेंजर्स थे इसमें, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, एंट मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, हॉकआई, विजन, विच, सारे थे इसमें। इस मूवी का ट्विस्ट तो ये है, हीरोज विलन्स के साथ नहीं आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ आयरन मैन की टीम होती है, एक तरफ कैप्टन अमेरिका की टीम होती है। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया होता है जिसके हिसाब से कैप्टन अमेरिका को लगता है कि वो गलत है, वो उससे बिल्कुल डिसएग्री करता है। उसका मानना था कि इस डेयरिंग वर्ल्ड में वो गवर्नमेंट जो है वो दुनिया की रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए वो उनके कंपैरिजन पूरा डिसएग्री था। बात की जाए आयरन मैन की तो वो कैप्टन अमेरिका की बात से डिसएग्री था। इसमें दोनों टीमों की मतलब अनबन चलती है और लास्ट में जो इन चारों की फाइट होती है वो भी देखने लायक है भाई। मतलब सब एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, कमाल की फाइट थी यार वो भी। मुझे तो कैप्टन अमेरिका की जितनी मूवीज है ये मुझे मतलब बेस्ट लगी है। नंबर 3, स्पाइडरमैन नो वे होम। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और जितने भी स्पाइडरमैन की मूवीज है ना उसमें से ये सबसे ज्यादा बेस्ट रही है। और बात करी जाए इनके हीरोज की तो टॉम हॉलैंड ने इस बार इसका किरदार निभाया है स्पाइडरमैन का। इसमें बताया गया कि कैसे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प के लिए जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल क्रिएट करता है, लेकिन कुछ अनबन की वजह से, कुछ अपसाइड डाउन की वजह से पूरा यूनिवर्स हिल जाता है जिससे हमें तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं। भाई साहब, आउटस्टैंडिंग मूवी थी ये, स्पाइडरमैन की आज तक की सबसे बेस्ट मूवी थी। क्यों नहीं होगी भाई, तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं हमें इसमें, और इनके साथ साथ दूसरे यूनिवर्स के विलन्स भी आ जाते हैं, और लास्ट में जब वो फाइट करते हैं सभी, आउटस्टैंडिंग थी भाई। मतलब आज तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी ये। नंबर 2, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये मूवी भी 2018 में रिलीज हुई थी और ये भी ब्लॉकबस्टर रही थी भाई साहब। इतनी गजब मूवी, इसने भी बहुत नोट छापा था भाई। पहले तो सारे एवेंजर्स अपनी पृथ्वी को सेफ रखने के लिए दुश्मनों से लड़ ही रहे थे, लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही आ गया भाई, थैनोस आ गया। वो तो 6 स्टोन्स को इकट्ठा करना चाहता था अपनी एबिलिटी, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, और वो पृथ्वी को भी अपने कब्जे में करना चाहता था। सारे सीन्स बेस्ट थे इसके, फाइटिंग सीन सबसे बेस्ट थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट सीन था जब थॉर अपना नया हथौड़ा बनाता है और जब वो एंट्री मारता है ना अपने नए हथौड़े के साथ, भाई साहब गजब, बहुत ही बढ़िया भाई। ये भी मूवी है, सभी ने देखी है, और मतलब ये भी ब्लॉकबस्टर रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कैसी मूवी बनाती मार्वल्स ने, सभी फैंस शॉक थे। मतलब एक तरफ से इस मूवी में इमोशनल सीन भी था जब मतलब हीरोज सारे मर जाते हैं, थोड़े बहुत हीरोज मर जाते हैं और वो सारे 6 स्टोन्स, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता है और ये मानते हैं कि हमारी हार हो चुकी है, लेकिन ये हार नहीं मानते भाई, बहुत तगड़ी फाइट करते हैं, और मतलब बेस्ट मूवी थी ये भी। नंबर 1, एवेंजर्स एंड गेम। आज तक की सबसे बढ़िया मूवी है ये, 2019 में रिलीज हुई थी और भाई बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही थी ये भी। बात करी जाए हीरोज, सारे एवेंजर्स थे इसमें। ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ही सेकंड पार्ट है जिसमें मतलब एंड गेम हुआ है, और यहाँ पर वो टाइम स्किप करते हैं, कैसे वो फिर से लड़ना चाहते हैं, कैसे उनको एक नई तरकीब मिलती है कि हम टाइम में पीछे जाकर थैनोस को हरा सकते हैं, और वो हरा भी देते हैं भाई। ये भी उनके लिए आसान नहीं होता क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया कि उनके जीतने के चांस सिर्फ 1% ही है, लेकिन जीतने की खुशी के साथ साथ यार इतना सारा दुख ये लेके आई,
मतलब मेरे फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन को ही मार दिया भाई, आयरन मैन का मतलब पूरा खत्म ही कर दिया। क्यों भाई आयरन मैन को क्यों मार दिया, सबका फेवरेट कैरेक्टर वो आयरन मैन को खत्म कर दिया भाई। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था, रुलाने वाला सीन था। और कैप्टन अमेरिका ने भी अपने आप को बूढ़ा कर दिया, वो भी मतलब खत्म हो गया। बहुत इमोशनल भी थी लेकिन आउटस्टैंडिंग भी थी, गूज़बम्स आए। उन्होंने हराया कैसे, थैनोस को हराया कैसे, कैप्टन मार्वल आई तब गजब था भाई। मैं क्या ही बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस मूवी। जितनी बार भी देखो भाई कोई बंदा बोर नहीं होगा ये मूवी देख के। सो आज तक की सबसे बेस्ट मूवी यही रही है। सो कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मार्वल यूनिवर्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल द टॉप टॉक्स ताकि आपको हर हफ्ते हमारी नया वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।